हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध का मामला बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश भर के वकीलों में इसको लेकर गुस्सा भी है, तो मामले का संज्ञान अब खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 सदस्य एक जांच कमेटी का गठन हुआ है। आदेश दिए गए हैं कि इस जांच कमेटी में आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद सदस्य हैं और जांच समिति को घटना के सभी पहलुओं की जांच कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, जहां सरेआम कानून को हाथ में लेने वाले कोई और नहीं बल्कि कानून के ही रखवाले हैं। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध बढ़ता जा रहा है। बुधवार को लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़ समेत कई जिलों में वकीलों ने प्रदर्शन किया। इस बीच कई जगहों पर पुलिस और अधिवक्ताओं में झड़प भी हुई। लखनऊ में वकीलों ने एसपी को घेर लिया, तो प्रयागराज में वकीलों ने सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। देखिए कैसे एक पुलिसकर्मी को घेर कर वकील थप्पड़ मार रहे हैं, जिसे जैसे जहां मौका मिला पुलिसकर्मी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिसकर्मी भी इतने खौफ में है कि वो विरोध भी नहीं कर पाया और वहां से भाग गया। हापुड़ में पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर विरोध कर रहे वकीलों ने पुलिसकर्मियों को ही पीट दिया। अब आपको बताते हैं कि हापुड़ में हुआ क्या। हापुड़ में वकीलों का ये प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ है। आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज किया। ये वकील पुलिस की उस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे जो एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ की गई है। महिला अधिवक्ता और सिपाही की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि महिला वकील ने सिपाही की नेम प्लेट खींच ली थी, जिसके बाद सिपाही की तरफ से महिला वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। महिला वकील ने सिपाही पर घूरने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। हापुड़ में जो दंगा कराया है पुलिस कर्मियों ने, उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शन हो रहा है और जब तक होता रहेगा तब तक जो है सीओ हापुड़ जो है बर्खास्त नहीं किए जाएंगे। और ये हमारी बार काउंसिल का जो है आदेश है और महिला अधिवक्ताओं के साथ और हमारे जो अधिवक्ता भाइयों के साथ जो मारपीट इतनी दुर्घटना दुर्व्यवहार किया गया है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में और होता रहेगा। आज का जो प्रदर्शन है हापुड़ की घटना को लेकर किया जा रहा है। वहाँ पर सीओ सिसोदिया द्वारा अधिवक्ताओं पर बेकसूर जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे लाठीचार्ज कर दी, जिसमें करीब 3 दर्जन से अधिक अधिवक्ता घायल हुए हैं। उन अधिवक्ताओं के आक्रोश में पूरे प्रदेश भर में आंदोलन हुआ है। बार काउंसिल का आह्वान है कि प्रदेश भर में इसी प्रकार का आंदोलन हो। मांगे ये हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया है सिसोदिया, उसको बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए और घायलों को उचित इलाज कराया जाए, उन्हें आर्थिक मदद की जाए। पहले वकील और पुलिस के बीच का ये मामला सुलझता दिख रहा था, लेकिन बुधवार को प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से माहौल गर्म हो गया। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ यूपी के कई जिलों में वकील हड़ताल पर चले गए। बवाल बढ़ा तो घटना का संज्ञान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लिया। मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन के आदेश दिए गए, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी को 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। हापुड़ में कल पुलिस और अधिवक्ता गणों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच हेतु शासन के द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त मेरठ रहेंगी तथा उस सोसाइटी के अन्य सदस्य आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद रहेंगे। इस एसआईटी को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रेषित करें। इसके साथ साथ हमारे सभी बार काउंसिल के लोगों से हमारे जिले के अधिकारी टच में हैं और सबसे अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। जांच कमेटी में आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद सदस्य हैं, जिन्हें घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।